हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इक्ता और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना अमेज़ॉन स्वेटशर्ट हॉल या फिर हुडीज हॉल। विंटर फैशन कैटेगरी पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं अमेज़ॉन पे, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना खरीदारी कर लूँ। सारी जो स्वेटशर्ट है ना गाइज, वो ओवरसाइज स्वेटशर्ट है, क्योंकि आप मेरे को जानते हैं हर चीज़ ओवरसाइज लेती हूँ, तो इसलिए ये पूरा कलेक्शन ही ऐसा है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने कौन कौन सी स्वेटशर्ट ली हैं अमेज़ॉन से, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। एंड सबके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, माई स्टोर का लिंक भी मिल जाएगा, तो जिसपे कि आप सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो। एंड चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्वेटशर्ट इज दिस ओपन जिप हुडी, एंड गाइज ये हद से ही ज़्यादा ओवरसाइज मैंने ले ली। मैं जब भी ओवरसाइज कुछ लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा साइज में फ़र्क आ ही जाता है, कभी छोटा कभी बड़ा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ हुडी और ओपन जिप वाली हुडी है। मुझे ये जिप वाली स्वेटशर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इनके साथ लेयरिंग का ऑप्शन आ जाता है। सो दिस इज़ दी रेड कलर की हुडी, जिसपे कि आपको ऐसा वाइट और नेवी ब्लू में स्ट्राइप्स मिल जाती है। वैसे तो इसके अंदर आपको कोई भी ऐसा फ्लीस वाला मटेरियल नहीं मिलेगा जिससे कि और ज़्यादा वार्म हो, लेकिन जो कम ठंड होती है ना, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये स्वेटशर्ट। और ये बहुत ज़्यादा हैवी है, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हार्बर नाम है ब्रांड का, एंड एक्सेल। हाँ, मैंने बोला था ना कुछ ज़्यादा ही ओवरसाइज्ड हो गया, वो आप ट्राई ऑन पार्ट पे भी देख लोगे, लेकिन इट्स ओके। ओवरसाइज चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं। पॉकेट्स तो आपको दोनों तरफ मिल ही जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। रेड कलर है, जो कि समहाउ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इंस्टेंटली आपके लुक को बहुत अच्छा बना देता है रेड कलर। सो दिस इज़ दी फर्स्ट हुडी, एंड ये ओपन जिप वाली हुडी है। तो अगर आपको ऐसी हुडीज पसंद है, स्वेटशर्ट पसंद है, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आई हैव इज दिस वेरी वेरी ब्यूटिफुल पीच कलर की स्वेटशर्ट, एंड दिस इज ऑल्सो एन ओवरसाइज स्वेटशर्ट, जिसपे कि लिखा हुआ है ग्रेटफुल। तो इस पे जो ये लिखा हुआ है ना कोट, ये ही अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देन उसके बाद इतनी प्रिटी स्वेटशर्ट है गाइस, और ये जो कलर है ना, ये तो बहुत ही डिफरेंट सा है। ऐसे कलर में रिवर्स कुछ भी नहीं था, पीच कलर है बाय द वे ये। और इस पे जो वाइट कलर का लिखा हुआ है ग्रेटफुल, इसकी भी क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड इसमें कोई हुडी नहीं दे रखा, और इसमें आपको ना पॉकेट्स भी नहीं मिलेंगी। तो पॉकेट्स तो देनी चाहिए यार, पॉकेट्स मुझे लगता है कि हर किसी में देनी चाहिए। सारी जो स्वेटशर्ट है वो आपको ऐसी दिख रही होंगी ना, थोड़ी श्रिंक श्रिंक, क्योंकि मैं इनको पहन चुकी हूँ और फिर एक बार धुलवा भी चुकी हूँ। तो ये आफ्टर वॉश रिव्यू है सबका, और मेरे ख्याल से सारी स्वेटशर्ट बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। अच्छा, इसके फैब्रिक की बात करूँ तो अगेन आप इसको अंदर लेयरिंग में पहन सकते हो, और इसके ऊपर कुछ और पहन सकते हो, वार्सिटी जैकेट समथिंग कुछ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। और फिर जब कम ठंड होती है ना, तब आप इनको पहन सकते हो। एंड क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट स्वेटशर्ट आई हैव इज दिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सबको ब्यूटीफुल बोल रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, सबके कलर इतने सुंदर है ना। ये बहुत ही लाइट स्काई ब्लू कलर की स्वेटशर्ट गाइस, जिसपे कि लिखा हुआ है डाइवर्सिटी। एंड ये अमेज़ॉन की जो खुद की ब्रांड है ना, आई थिंक सिंबल, सिंबल उसकी ही स्वेटशर्ट है। तो इस पे यहाँ सामने की तरफ डाइवर्सिटी लिखा हुआ है, कलर देख लो कितना ज़्यादा प्यारा है, आई थिंक पाउडर ब्लू कलर है। एंड इस पे स्लीव्स पे आपका ऐसे रेड कलर का पॉपअप स्ट्राइप्स मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। थोड़ी सी ओवरसाइज्ड है एज यूजुअल, बट बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट स्वेटशर्ट मैंने ये ली है बहुत ही लाइट येलो कलर में, जिसपे कि लिखा हुआ है हैप्पी डे। और ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है पैचवर्क, ये भी देख सकते हो आप कि किस तरीके के फैब्रिक में आपको मिलेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है।
एंड इसका कलर भी बहुत सुंदर है। वैसे येलो कलर मुझे इतनी जल्दी से पसंद नहीं आता है, जो भड़कीला वाला होता है वो तो बिल्कुल ही नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही लाइट येलो कलर की स्वेटशर्ट है जो कि आप ले सकते हैं। आप ना अपने साइज़ में ले सकते हैं, अगर आपको ओवर साइज़ नहीं चाहिए तो आप अपने ट्रू साइज़ में ही लेना इन सारी स्वेटशर्ट को। मैं तो थोड़ा ओवरबोर्ड चली जाती हूँ। एंड अगेन पीछे से बिल्कुल प्लेन है, बस सामने की तरफ आपको ये कोट लिखा मिल जाता है, हैप्पी डे। नेक्स्ट एंड लास्ट स्वेटशर्ट जो मेरे पास है गाइस, वो है ये बहुत ही फंकी कलर में ऑरेंज कलर के हुडी है ये, जिसपे कि लिखा हुआ है नॉर्मल इज बोरिंग एंड जिसपे गारफील्ड बना हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा फंकी हुडी है ये, हुडी है इसमें इसलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा, इसमें आपको फ्लीस वाला फैब्रिक मिलता है अंदर की तरफ, इसलिए थोड़ी सी ये एक्सपेंसिव भी है, इनसे इतनी ज़्यादा नहीं है, बट आप देख लेना कितने की है, सबके प्राइस तो मेंशन हो ही जाएंगे। एंड ये ऐसा डोरी मिलती है, पता नहीं, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दीज टाइप ऑफ डोरी। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, अगर आपको इनमें से कोई भी स्वेटशर्ट खरीदनी है ना तो आप ये वाली खरीद लेना इस ठंड के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से बचाएगी इस ठंड में। फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रस्ट मी एंड यू विल नॉट रिग्रेट। इसमें और भी कलर हो सकते हैं, मैंने ये वाले कलर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा था इसलिए लिया था, बट हाँ आप अपने पसंद का कलर ले सकते हैं अगर होगा तो। एंड या विद दिस वी फिनिश दिस हॉल गाइज, एंड सबके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो मेक श्योर आप चेक कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।